महर्षि देव व्यास की तपोस्थली बिलासपुर में पहली मर्तबा आयोजित व्यास फिल्म फेस्टिवल में प्रदेश भर से विभिन्न कलाकारों ने भाग लिया। किसान भवन बिलासपुर में आयोजित इस एक दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने किया। वहीं समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। व्यास फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज को शामिल किया गया। टॉप 3 डॉक्यूमेंट्रीज व शॉर्ट फिल्म्स निर्माताओं व कलाकारों को सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश के विभिन्न डॉक्यूमेंट्रीज में से विरासत बेस्ड डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला तो माइंडसेट को बेस्ट शॉर्ट फिल्म चुना गया। सोनी शॉर्ट फिल्म के कलाकार सोहन कपूर बेस्ट मेल एक्टर और नया जमाना शॉर्ट फिल्म की नव्या पंत को बेस्ट फीमेल एक्टर का इनाम दिया गया। हम यहाँ पे आए हैं व्यास फिल्म फेस्टिवल में, ये पहली बार हो रहा है बिलासपुर में, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि एक कलाकार को एक मंच चाहिए। जो हमें ये मिला तो हम बहुत खुश नसीब हैं। इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और इतना अच्छा सम्मानित किया, तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ व्यास फिल्म फेस्टिवल वालों को। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और इस तरह के फेस्टिवल आगे भी होने चाहिए क्योंकि कलाकार को एक मंच चाहिए, तो और अच्छे मंच मिले तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पहली बार हो रहा है ये व्यास फेस्टिवल और शिमला में हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे कलाकारों के लिए क्योंकि ये मतलब जो स्टेज होती है ये कलाकारों के लिए बहुत मान्य रखती है। तो हम भी छोटे से कलाकार हैं, इतने बड़े कलाकार हैं नहीं मतलब, तो हमारे लिए तो जो भी कलाकार हैं वो तो हमारे लिए बहुत बड़े हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मतलब ये यहाँ पे सम्मानित हो रहे हैं और आगे भी मतलब ऐसे अगर फेस्टिवल होते रहे तो सभी कलाकारों के लिए बहुत अच्छी बात है ये। विशेषकर यहाँ पर एक मंच प्रदान किया गया व्यास फिल्म फेस्टिवल के द्वारा कुछ युवाओं के द्वारा, कि सारे जो बच्चे जो कला के कलाकार बनना चाहते हैं और कला में अपना अभिनय यहाँ पर प्रदर्शित या उसका प्रकटीकरण करना चाहते हैं उनको एक मौका मिला है। आप सभी जानते हैं कि पहली फिल्म जो बनी थी साइलेंट फिल्म वो भारतवर्ष में वो बनी थी राजा हरीश चंद्र जी के ऊपर। उसके बाद आलम आरा एक पिक्चर आई थी और उसके बाद मदर इंडिया पिक्चर। तो यानी धीरे धीरे बॉलीवुड भी बढ़ा और एक समय में ऐसा आया कि बॉलीवुड का पूरा कब्जा या मुंबई ही एक ऐसा स्थान था जिसमें कि फिल्म फेस्टिवल या फिल्म के बनाने वाले लोगों को ऐसा मंच मिलता था। लेकिन अब ये डिसेंट्रलाइज हो रहा है और डिसेंट्रलाइज होकर यहाँ ब्यास की धरती और बिलासपुर की धरती पर पहुँचा है। इसमें प्रयास कुछ युवाओं के हैं जैसे अंकुर और रजनीश और अन्य सबके ये प्रयास हैं, तो बड़े वंदनीय प्रयास हैं, बड़े अभिनंदनीय प्रयास हैं। तो उनको प्रेरणा स्वरूप जो जितना भी उनको सहयोग किया जाए तो समाज को सहयोग करना चाहिए। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।